304 टीजीटी साइंस पोस्ट के लिए हुई 12 फरवरी 2023 को केवीएस टीजीटी साइंस की एग्जामिनेशन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि क्या रहेगा केवीएस टीजीटी साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड व्हाट विल बी द फे या सेफ स्कोर फॉर गेटिंग अ सिलेक्शन। मैं अमित सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस, तहे दिल से आप सभी को टीचर्स एट 24/7 में स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि आपकी स्कोर कितनी रही तो आपकी सिलेक्शन निश्चित है। देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे कि कितने सवाल पूछे गए। तो केवीएस टीजीटी साइंस में जनरल पेपर होती है और आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस की सब्जेक्ट्स होती हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इस बार केवीएस टीजीटी के पेपर में देखा गया कि फिजिक्स से ज्यादा सवाल पूछे गए कंपैरेटिवली बायोलॉजी और केमिस्ट्री के, और बायोलॉजी और केमिस्ट्री की कंपैरिजन करूं तो बायोलॉजी से भी ज्यादा सवाल केमिस्ट्री से पूछे गए। फिजिक्स में आए 60 से 65% सवाल, केमिस्ट्री से 15 से 20% और बायोलॉजी से 9 से 15% सवाल पूछे गए। अब इन सवालों के लेवल की बात करें तो लेवल कैसा था, तो लेवल इजी नहीं था, ना ही बहुत डिफिकल्ट था, बट यस इट वाज मॉडरेट टू अ लिटिल बिट हार्डर वन, आप कह सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं, इट वाज मॉडरेट एंड फ्यू क्वेश्चंस वेयर मोर फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन। इसलिए कहीं ना कहीं बच्चों को पेपर भी टफ था, क्योंकि वैसे भी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंपैरिजन में फिजिक्स से उतना रुझान या प्यार उनको नहीं होता। ये तो हो गई लेवल ऑफ एग्जाम पेपर की और कितने सवाल कहां से पूछे गए। इसके बाद आते हैं कि केवीएस टीजीटी साइंस पोस्ट किस आधार पे किसी एक कैंडिडेट को दी जाती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कितने सीट्स सैंक्शनड किए गए हैं टू केवीएस, केवीएस को कितने सीट्स इस बार टीजीटी के लिए दिए गए हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट। दूसरा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने सारे एप्लीकेशंस स्टूडेंट की तरफ से रिसीव हुए हैं फॉर टीजीटी। तीसरा, कैटेगरी अंडर विच द एडमिशन इज सॉट, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किस कैटेगरी के लिए के अंतर्गत आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स के ऊपर भी थोड़ी डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बट नेचुरल है कि आपकी परफॉर्मेंस आपकी मेरिट बनाती है। आगे देखेंगे कि आपकी केवीएस टीजीटी साइंस में बेसिकली आपकी पेपर की स्ट्रक्चर रहती कैसे है। तो पेपर के स्ट्रक्चर में आपकी साइंस रहती है, आपकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि 100 मार्क्स की रहेगी, और जनरल पेपर 80 मार्क्स का होता है, जिसमें अंग्रेजी 10 नंबर का, हिंदी 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स 10 नंबर का, कंप्यूटर 5 नंबर, रीजनिंग 5 नंबर और सीडीपी 40 नंबर। अब इस बार एज पर द पेपर कैटेगरी वाइज बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया, आइए देखते हैं। ओबीसी, और उसके पहले मैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लूं, टोटल मार्क्स 180 फॉर एवरीवन, फॉर एवरी कैटेगरी। मिनिमम कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी 113 से 115 है। अगर आपकी स्कोर 113 से 115 के बीच में लाई कर रही है तो यू आर समवेयर नियर द सिलेक्शन पॉइंट, आप सेफ स्कोर में हैं। तो यूआर के लिए मिनिमम कट ऑफ इस साल रहने वाली है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो है 113 से 115 के बीच। ओबीसी के लिए 104 से 110 रहेगा। अब यहां जो मैंने थर्ड कॉलम में आपको दिखाया है स्कोर, ये हाईएस्ट स्कोर है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट स्कोर एंड मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ का मतलब है कम से कम इतना लाना होगा ताकि आप अगले इंटरव्यू के लिए जा पाए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो पाए। और वो बंदा जो मैक्सिमम स्कोर करा है अपने इंडिविजुअल कैटेगरी में, उसके पास मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा नंबर प्राप्त होंगे, इसका फायदा उसे इंटरव्यू में मिलने वाला है। इंटरव्यू 60 नंबर की होती है। अगर उस 60 नंबर के इंटरव्यू में अगर एक हायर स्कोरर इंडिविजुअल का मार्क्स कम भी रहता है इंटरव्यू में, तो इसकी यहां की मार्क्स ऐड हो जाती है, जिससे उसकी मेरिट बन जाती है और सिलेक्शन के चांसेस 100% बन जाते हैं। बट इफ यू हैव स्कोर्ड लेस इन योर पेपर, थ्योरी पेपर, एंड इन द इंटरव्यू यू डिड बैड टू, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर आप यहां परफॉर्म कम करते हैं और इंटरव्यू में हद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो भी सिलेक्शन आपकी गारंटीड रहती है। लेकिन ध्यान रहे, वो जो थ्योरी में ज्यादा स्कोर कर जाते हैं उनके पास एक एडेड बेनिफिट रहती है इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो कैटेगरी वाइज क्या मिनिमम कट ऑफ रहेगी और हाईएस्ट स्कोर कितना रहेगा फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैटेगरी, आप बोर्ड पर देख सकते हो। और ये टोटल 304 टीजीटी साइंस पोस्ट के लिए है फॉर दिस ईयर 2023। तो मुझे उम्मीद है कि कैटेगरी वाइज जो पूरी जानकारी आपको चाहिए थी आपको मिल गया होगा। अब एक आखिरी सवाल जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में अभी भी होगा कि सर मिनिमम या सेफ स्कोर क्या होगा।
तो मैं बता दूं टीजीटी साइंस के लिए आपकी सेफ स्कोर रहने वाली है 115 से 120। अगर आपकी स्कोर 115 से 120 के बीच रहती है तो आप समझ लेना कि आपकी सिलेक्शन गारंटीड है और बाकी आपकी परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू विल मैटर द मोस्ट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज दिस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन, जहां मैंने आपको बताया कि केवीएस टीजीटी साइंस 2023 एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में क्या रहने वाली है। I hope you like the session. Do like and share the session as well. And we'll see you soon on Teachers Adda with more important updates with KVS and upcoming teaching examinations. Till then, take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.